नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। तो दोस्तों, आज जो आप ये सामने बाइक देख रहे हो, ये है 2023 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 का स्टैंडर्ड वेरिएंट। 2023 में ये बाइक बदल चुकी है। अब आपको इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिलने लगा है। काफी सारे चेंजेस इस बाइक के अंदर हो चुके हैं। जो आप ये सामने वेरिएंट देख रहे हो, ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इस बाइक के अंदर काफी सारे बदलाव हो चुके हैं, सेल्फ स्टार्ट को लेकर ड्यूल चैनल एबीएस तक। लुक पूरी बाइक का चेंज हो चुका है। सिर्फ आपको टैंक जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको सेम स्ट्रक्चर के साथ में मिल जाएगा। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक की से। तो भाई, इस बाइक की जो की है ये भी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्लासिक 350 वाली की देखने को मिलेगी, जिसको आपको आरई की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में इस बाइक के अंदर आपको क्रोम के मिरर देखने को मिलेंगे। तो भाई, ये बड़ा बदलाव आपको इस बार इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेक एंड जो ये लीवर देखने को मिलेंगे, ये भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको क्रोम का टच देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार इस बाइक की को इंसर्ट करके ऑन करके देखते हैं फ्रंट में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले। तो भाई, इसके फ्रंट में आपको जो पार्किंग लाइट है वही सेम देखने को मिलने वाली। हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ में आपको बाइक देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो लाइट है वो चेंज देखने को मिलेगी। पहले आपको यहाँ पे एक कवर देखने को मिलता था, अब आपको गोल सी मिट्योर वाली लाइट देखने को मिलेगी। इंजन स्टार्ट करते ही जो इसकी हेलोजन हेडलाइट है ये ऑन होने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलने वाले हैं। भाई, इसका जो फेंडर वगैरह है ये आप स्टील मेटल बॉडी के पार्ट के साथ में मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूल चैनल एबीएस आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। एंड 300 mm की डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। बाइब्री के कैलिवर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूं तो 119 सेक्शन के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिलेंगे। दूसरा मतलब इस बाइक के अंदर हुआ है वो है इस बाइक का लोगो। लोगो आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा। तो भाई, यहाँ पे एक नया लोगो आपको रॉयल इनफील्ड ने इस बार दिया है, प्रॉपर रेट्रो प्रोफाइल। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हाथ से डिजाइन करे हुए ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। E20 का सपोर्ट आपको 2023 में इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं बड़ा बदलाव की। तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा, जे सीरीज का इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। इस बाइक के इंजन की बात करूँ, 350 cc का एयर कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। 20.2 PS की पावर जनरेट करेगा, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। 5-speed गियर बॉक्स के साथ में आपको बाइक मिलेगी। एंड 2023 में इस वाले वेरिएंट में आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये बाइक आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन के साथ में ही मिलने वाली है। सीट इस बाइक की ऑल ओवर बदल चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सीट देखने को मिलेगी। 805 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाएगी। अगर आपकी हाइट 5'6" है, 5'7" है, तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके रियर में स्टेप सस्पेंशन लगने वाला है। यहाँ पर आपको बाइब्री के कैलिवर देखने को मिलेंगे। इसके रियर में आपको ABS मिल जाएगा। डिस्क प्लेट आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 120-80-18 inch के ट्यूब वाले टायर देखने को मिलने वाले हैं। आफ्टर मार्केट आप इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील भी इंस्टॉल करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल को। तो बैक प्रोफाइल में आपको यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। गोल्ड सी हैलोजन टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा। नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई इस बाइक का लुक। तो क्रोम के मिरर लगने के कारण जो इस बाइक की प्रोफाइल है एक नंबर हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको क्लासिक वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो ये भी पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क, स्पीड लिमिट, लो फ्यूल वार्निंग, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट जैसे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, आई बटन, जैसे आप इस बाइक के ट्रिबन, ट्रिप टू एंड डिजिटल क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल हॉर्न के साथ में आपको बाइक मिलेगी। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा। एक बार मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो भाई, ये था इस बाइक की स्मॉल सर्वी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।